डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर भाजपाइयों ने वार्ड 12 में बैंक कॉलोनी के रित उद्यान में 51 फलदार पौधों का रोपण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार करने के उद्देश्य को लेकर भाजपाइयों ने दुर्ग के वार्ड 12 में बैंक कॉलोनी के रिक्त उद्यान में बुधवार को 51 फलदार पौधा रोपकर मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती। गौरतलब है कि चंडी शीतला मंडल भाजपा इकाई द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के पर्याय महान शिक्षाविद प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 121वीं जन्म जयंती पर अभी भाजपाई कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक शिव चंद्राकर, जिला मंत्री दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष शेखर चंद्राकर, मंडल महामंत्री विजय ताम्रका सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला भाजपा मंत्री दिनेश देवांगन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश दो प्रधान के विरुद्ध आवाज उठाते हुए तत्कालीन नेहरू जी की सरकार को छोड़कर कश्मीर में जाकर धारा 370 हटाने जो आंदोलन का शंखनाद कर अपने प्राणों की आहुति दिया था, उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया और उनके एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना भी अब साकार हो रहा है। भाजपा अपने महापुरुष के विचारधारा के बल पर ही आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस संबंध में जिला महामंत्री दिनेश देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जनसंघ के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 121वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी चंडी शीतला मंडल द्वारा वार्ड क्रमांक 12 बैंक कॉलोनी में आज वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और वृक्षारोपण करके हम जिन्होंने पूरे देश में एक देश दो प्रधान के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, एक विधान दो संविधान नहीं चलेगा, इस मूल मंत्र को लेकर जिन्होंने कश्मीर में जाकर अपने प्राणों की आहुति दिया था, ऐसे महापुरुष की जयंती हम सब मना रहे हैं। और इससे पूर्व हम सब ने डॉक्टर मुखर्जी जी की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है और आज इस उपलक्ष्य में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आंवला, तरण, नीम, बेल, आम, इस प्रकार से ऐसे छायादार पेड़ हैं उनको हम सब ने लगाए हैं। इसके लिए इस वार्ड के पार्षद अजीत वैद जी शुभकामना के पात्र हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंद्राकर जी हैं, हमारे जिला के महामंत्री ललित चंद्राकर जी, वरिष्ठ नेता शिव चंद्राकर जी, महामंत्री विजय ताम्रकर जी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आज मुखर्जी जी की जयंती पर हम सब एक ही कामना करते हैं कि हम सब मुखर्जी जी के सपनों के अनुरूप भारत का निर्माण करें और इस सपनों को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।